नोएडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही 43वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान एक बेहद खतरनाक घटना हुई। उस समय तमाम शूटिंग रेंज अधिकारियों की सांसें फूल गईं जब अचानक एक युवक अपनी गेंद उठाने के लिए दीवार से कूदकर भरी बंदूकों के बीच शूटिंग रेंज में घुसाया। मामला रविवार दोपहर तकरीबन 12:30 बजे का है। नोएडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की शूटिंग रेंज पर 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल और साथ ही 50 मीटर फ्री पिस्टल स्पर्धाओं के मैच चल रहे थे। राइफल और पिस्टल के सभी निशानेबाज अपने अपने टारगेट पर निशाना लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक युवक 50 मीटर शूटिंग रेंज की दीवार फांदकर कूदा तो पूरी शूटिंग रेंज पर हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त किसी निशानेबाज ने गोली नहीं चलाई। जिस तरफ ये लड़का कूदा था उस तरफ 50 मीटर फ्री पिस्टल के निशानेबाज अपना मैच कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से उस समय कोई गोली नहीं चला रहा था। रेंज ऑफिसर ने फौरन तमाम निशानेबाजों को फायरिंग रोकने की कमांड दी और तेज आवाज में चिल्लाते हुए इस युवक को फौरन बाहर निकलने को कहा। उधर से उस युवक ने कहा कि मेरी गेंद यहाँ आ गई है, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। युवक इतना बेफिक्र था कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने अपनी गेंद उठाई और फिर बहस करने लगा। फिर तमाम रेंज ऑफिसर्स जैसे ही उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़े, ये लड़का जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस दीवार पर चढ़कर बाहर निकल गया। इस मामले पर यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और इस मामले पर नोएडा स्टेडियम के प्रशासन से शिकायत की जाएगी ताकि ऐसा आगे फिर कभी न हो। निशानेबाजी के मैच के दौरान अचानक शूटिंग रेंज में किसी का आ जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। नोएडा स्टेडियम में शूटिंग रेंज हाल ही में बनकर तैयार हुई है। इस रेंज पर ये पहली निशानेबाजी प्रतियोगिता हो रही है। शूटिंग रेंज के बगल में एक मैदान है जिस पर कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे कि तभी उनकी गेंद शूटिंग रेंज में आ गिरी और गेंद लेने के लिए एक युवक दीवार फांद कर शूटिंग रेंज में कूद गया। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।